आज हम एक मज़ेदार वीडियो के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि हम घर बैठे बैठे अपना स्टोरेज को कैसे खाली करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये स्टोरेज फुल लिखा है, स्टोरेज स्पेस रन आउट ऐसा मैसेज करके आता है जब हमारा स्टोरेज फुल हो जाता है, जो फ़ोन के अंदर देता है। मैं आपको सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ कि अपना स्टोरेज कितना है। देख लीजिए दोस्तों, ये अपना स्टोरेज टोटल स्पेस है 16 GB अवेलेबल है, 437 का है और अपना स्टोरेज फुल है, मैसेज आ रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा घबरा जाते हैं कि हमारा स्टोरेज फुल हो गया है, हम कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर बैठे बैठे अपना स्टोरेज को कैसे खाली कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हमको क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम फाइल मैनेजर में जाएंगे, माय फाइल में। फिर हमको देख लीजिए, ये डाउनलोड हिस्ट्री में कुछ नहीं है, इमेज में कुछ 8 MB है, ऑडियो में 51 है, वीडियोस में 465 है, मतलब हमारा भर चुका है। तो हम डिवाइस में चले जाते हैं, डिवाइस स्टोरेज में चले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं, देखो इतना सारा फोल्डर है जो कि हमारा कोई काम का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिस हमारा काम नहीं है तो उससे हम डिलीट मार देंगे। जैसे कि मुझे ये काम का नहीं है तो मैंने इसको डिलीट मार देता हूँ। और आपको देख सकते हैं ये कंपनी का फाइल है, ये व्हाट्सएप में देख लीजिए दोस्तों। ये मीडिया में जाओगे तो आपको व्हाट्सएप इमेज और व्हाट्सएप वीडियो ये दोनों में ही काम रहता है, इसके अलावा दूसरा कोई फाइल काम का नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्रेस करके रखता हूँ। फिर वहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया, ये सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। और मेरे को ये वीडियो चाहिए और इमेज चाहिए, तो इसको मैंने और डिसलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद डिलीट कर दिया। ये डिलीट हो गया दोस्तों। और हम क्या करते हैं, ये मीडिया में जो है ये फाइल को भी सिलेक्शन कर लेते हैं, लंबे प्रेस करके रखेंगे तो ये सिलेक्शन का आ जाता है। फिर सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, मीडिया को छोड़ के बाकी सब फाइल डिलीट कर देते हैं। उसमें क्या है, वायरस जैसा कुछ ना कुछ रह जाता है तो अपना स्टोरेज फुल रह जाता है। तो दोस्तों हम ये जैसे न्यू फोल्डर है, ये मेरे को नहीं चाहिए तो मैंने इसको भी डिलीट मार देता हूँ। ये मैंने डिलीट मार दिया और आप देख सकते हैं ये न्यू फोल्डर 2 मैंने बनाया है। व्हाट्सअप तो डिलीट मार दिए, म्यूजिक मैंने बनाया है, DCIM ये तो कैमरा का रहता है, ये कैमरा में देख लीजिए दोस्तों। ये फाइल भी आप लोगों को नहीं चाहिए तो इसको डिलीट मार देते हैं। जैसे ये फाइल का हमको चाहिए तो ये रहने देते हैं। अगर जैसे कोई आप लोगों को इसमें से एक फ़ोटो नहीं चाहिए, मतलब ये फ़ोटो नहीं चाहिए, तो उसको लॉन्ग प्रेस करके आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे मैंने आप कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लेलिस्ट, इसमें ये कंपनी का फाइल है, इसके अंदर कुछ नहीं रहता है तो इसको हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद इसको लॉन्ग प्रेस करके डिलीट मार देते हैं। ये लॉन्ग प्रेस किया और मैंने डिलीट का ऑप्शन जाके यहाँ पे डिलीट कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, ये फाइल जैसे हमको नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ये बैकअप का फाइल नहीं चाहिए, लॉक्स ऑडियो एडिटर फाइल नहीं चाहिए, ये जेब पुश करके आया है ये फाइल नहीं चाहिए, तो हम इसको डिलीट मार देते हैं। ये डिलीट हो गया। ये कॉन्टैक्ट चाहिए, ये एंड्रॉयड में देखो दोस्तों कुछ रहता नहीं है, ये कंपनी का फाइल होता है, फाइल के अंदर फाइल, जैसे डाटा खोला ये फाइल के अंदर फाइल, फाइल के अंदर फाइल रहता है, इसको हम देख कर देते हैं। ये फाइल खोलते हैं, ये फाइल खोलते हैं, कुछ फाइल नहीं रहता, ये सब वायरस रहता है। ऐसा नहीं वायरस है, ये कंपनी का भरा हुआ रह जाता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर देते हैं। देख लीजिए दोस्तों कितना सारा है, 834, मतलब उसके अंदर कुछ रहता नहीं है, जो भी हम यूज़ करते हैं उसमें जाके सेव रहता है वो भर जाता है। इसके लिए हम स्टोरेज आउट ऑफ स्टोरेज दिखा देता है, आपको दिखता भी होगा दोस्तों। देखो ये हमारा स्टोरेज खाली हो चुका है, इसके लिए जा चुका है, जो मैसेज आया था वो चला गया है। ये देखो 834 फाइल डिलीट हो रहा है। हम जब तक डिलीट नहीं हो जाते तब तक थोड़ा इंतज़ार करते हैं। देखो दोस्तों ये खाली हो गया है और मेरे को ये फाइल भी नहीं चाहिए, न्यू फोल्डर 2 बनाया हुआ था, ये फाइल भी मैंने डिलीट कर देता हूँ। इसमें 164 था,
तो इसको मैंने डिलीट कर दिया हूँ, तो अभी ये खाली हो चुका होगा। ये म्यूजिक तो मेरे को चाहिए, तो ये म्यूजिक को मैंने रहने देता हूँ। और मेरे को व्हाट्सएप में तो दिखाया कि दोस्तों ये दो फाइल ही है, तो दोस्तों देख लीजिए मेरा क्लीन हो गया। मैं सेटिंग में जाके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने सेटिंग में आया और ये स्टोरेज है, इसमें क्लिक किया, देख लीजिए दोस्तों इसमें टोटल स्पेस 16 GB था, अवेलेबल स्पेस 5 GB तक आ गया है, 4.94 तक आ गया है। तो दोस्तों देख लीजिए घर बैठे बैठे अपना खाली हो गया, कहीं पे जाना नहीं पड़ा या मोबाइल को फॉर्मेट नहीं करना पड़ा। देख लीजिए दोस्तों ये DCIM में कुछ 2-3 फ़ोटो है, और व्हाट्सएप में कुछ मीडिया के बाद वीडियो इमेज कुछ है, उसके बाद ये रिकॉर्ड वाला है, ये म्यूजिक है, इतना म्यूजिक है। तो दोस्तों ये खाली हो गया, ये जो मैसेज था वो भी चला गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बता देना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली मीडिया में।